और 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे ही होंगे। नए साल पर हर व्यक्ति, हर संस्था आने वाले साल में कुछ और बेहतर करने, बेहतर बनने के संकल्प लेते हैं। पिछले 7 सालों से हमारी ये मन की बात भी व्यक्ति की, समाज की, देश की अच्छाइयों को उजागर कर और अच्छा करने और अच्छा बनने की प्रेरणा देती आई है। इन 7 वर्षों में मन की बात करते हुए मैं सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा कर सकता था, आपको भी अच्छा लगता, आपने भी सराहा होता, लेकिन ये मेरा दशकों का अनुभव है कि मीडिया की चमक दमक से दूर, अखबारों की सुर्खियों से दूर कोटि कोटि लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो देश के आने वाले कल के लिए अपना आज खपा रहे हैं। वो देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्रयासों पर आज जी जान से जुटे रहते हैं। ऐसे लोगों की बात बहुत सुकून देती है, गहरी प्रेरणा देती है। मेरे लिए मन की बात हमेशा से ऐसे ही लोगों के प्रयासों से भरा हुआ, खिला हुआ, सजा हुआ एक सुंदर उपवन रहा है। और मन की बात में तो हर महीने मेरी मशक्कत ही इस बात पर होती है, इस उपवन की कौन सी पंखुड़ी आपके बीच लेकर के आऊं। मुझे खुशी है कि हमारी बहुरत्ना वसुंधरा के पुण्य कार्यों का अविरल प्रवाह निरंतर बहता रहता है। और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तो जो जनशक्ति है, जन जन की शक्ति है, उसका उल्लेख, उसके प्रयास, उसका परिश्रम भारत के और मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए एक तरह से गारंटी देता है। साथियों, ये जनशक्ति की ही ताकत है, सबका प्रयास है कि भारत 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका। हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे। अपने मोहल्ले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं, उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। लेकिन साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। कि जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, नभः स्पृशं दीप्तम्, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भी है। मां भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकाश की इन बुलंदियों को रोज गर्व से छूते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने
तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। उस हादसे में हमने देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया। वरुण सिंह भी मौत से कई दिन तक जाबाजी से लड़े, लेकिन फिर वो भी हमें छोड़कर चले गए। वरुण जब अस्पताल में थे उस समय मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे हृदय को छू गया। इस साल अगस्त में ही उन्हें शौर्य चक्र दिया गया था। इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वे जड़ों को सींचना नहीं भूले। दूसरा कि जब उनके पास सेलिब्रेट करने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। वो चाहते थे कि जिस स्कूल में वो पढ़े वहां के विद्यार्थियों की जिंदगी भी एक सेलिब्रेशन बने। अपने पत्र में वरुण सिंह जी ने अपने पराक्रम का बखान नहीं किया, बल्कि अपनी असफलताओं की बात की। कैसे उन्होंने अपनी कमियों को काबिलियत में बदला, इसकी बात की। इस पत्र में एक जगह उन्होंने लिखा है, इट इज ओके टू बी मीडियोकर, नॉट एवरीवन विल एक्सेल एट स्कूल एंड नॉट एवरीवन विल बी एबल टू स्कोर इन द 90s। इफ यू डू, इट इज एन अमेजिंग अचीवमेंट एंड मस्ट बी अपलॉडेड। हाउएवर, इफ यू डोंट थिंक दैट यू आर मीन टू बी मीडियोकर। यू मे बी मीडियोकर इन स्कूल, बट इट इज बाय नो मीन्स अ मेजर ऑफ थिंग्स टू कम इन लाइफ। फाइंड योर कॉलिंग, इट कुड बी आर्ट, म्यूजिक, ग्राफिक डिजाइन, लिटरेचर एक्सेट्रा। वॉट एवर यू वर्क टवर्ड्स, बी डेडिकेटेड, डू योर बेस्ट, नेवर गो टू बेड थिंकिंग आई कुड हैव पुट इन मोर एफर्ट्स। साथियों, औसत से असाधारण बनने का उन्होंने जो मंत्र दिया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी पत्र में वरुण सिंह ने लिखा है, नेवर लूज होप, नेवर थिंक दैट यू कैन नॉट बी गुड एट व्हाट यू वांट टू बी। इट विल नॉट कम इजी, इट विल टेक सैक्रिफाइस ऑफ टाइम एंड कंफर्ट। आई वॉज मीडियोकर एंड टूडे आई हैव रीच डिफिकल्ट माइलस्टोन इन माई कैरियर। डू नॉट थिंक दैट 12th बोर्ड मार्क्स डिसाइड वॉट यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग इन लाइफ। बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क टवर्ड्स इट। वरुण ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडेंट को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है। साथियों, हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूं। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए दो दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, करियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं जो सरहद के पार कहीं बहुत दूर से आई है। ये आपको आनंदित भी करेंगी और हैरान भी कर देंगी।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, गर्व की अनुभूति हुई होगी। वंदे मातरम में जो भाव निहित है वो हमें गर्व और जोश से भर देता है। साथियों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये खूबसूरत वीडियो कहाँ का है, किस देश से आया है। इसका जवाब आपकी हैरानी और बढ़ा देगा। वंदे मातरम प्रस्तुत करने वाले ये स्टूडेंट्स ग्रीस के हैं। वहां वे इलिया के हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं। इन्होंने जिस खूबसूरती और भाव के साथ वंदे मातरम गाया है वो अद्भुत और सराहनीय है। ऐसे ही प्रयास दो देशों के लोगों को और करीब लाते हैं। मैं ग्रीस के इन छात्र छात्राओं और उनके टीचर्स का अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान किए गए उनके प्रयास की सराहना करता हूं। साथियों, मैं लखनऊ के रहने वाले नीलेश जी की एक पोस्ट की भी चर्चा करना चाहूंगा। नीलेश जी ने लखनऊ में हुए एक अनूठे ड्रोन शो की बहुत प्रशंसा की है। ये ड्रोन शो लखनऊ के रेजिडेंसी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की गवाही रेसिडेंसी की दीवारों पर आज भी नजर आती है। रेसिडेंसी में हुए ड्रोन शो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग पहलुओं को जीवंत बनाया गया। चाहे चौरी चौरा आंदोलन हो, काकोरी ट्रेन की घटना हो, या फिर नेताजी सुभाष बाबू का अदम्य साहस और पराक्रम, इस ड्रोन शो ने सबका दिल जीत लिया। आप भी इसी तरह अपने शहरों के, गांवों के आजादी के आंदोलन से जुड़े अनूठे पहलुओं को लोगों के सामने ला सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी की भी खूब मदद ले सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हमें आजादी की जंग की स्मृतियों को जीने का अवसर देता है, उसको अनुभव करने का अवसर देता है। ये देश के लिए नए संकल्प लेने का, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति दिखाने का प्रेरक उत्सव है, प्रेरक अवसर है। आइए स्वतंत्रता संग्राम की महान विभूतियों से प्रेरित होते रहें, देश के लिए अपने प्रयास और मजबूत करते रहें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा भारत कई अनेक असाधारण प्रतिभाओं से संपन्न है, जिनका कृतित्व दूसरों को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं तेलंगाना के डॉक्टर कुरेला विठलाचार्य जी। उनकी उम्र 84 साल है। विठलाचार्य जी इसकी मिसाल है कि जब बात अपने सपने पूरे करने की हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। साथियों, विठलाचार्य जी की बचपन से एक इच्छा थी, कोई एक बड़ी सी लाइब्रेरी खोले। देश तब गुलाम था, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि बचपन का वो सपना तब सपना ही रह गया। समय के साथ विठलाचार्य जी लेक्चरर बने, तेलुगु भाषा का गहन अध्ययन किया और उसी में कई सारी रचनाओं का सृजन भी किया। 6-7 साल पहले वो एक बार फिर अपना सपना पूरा करने में जुटे। उन्होंने खुद की किताबों से लाइब्रेरी की शुरुआत की, अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी। धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते चले गए और योगदान करते गए। यदाद्री भुवनागिरी जिले के रमन्नापेट मंडल की इस लाइब्रेरी में करीब 2 लाख पुस्तकें हैं। विठलाचार्य जी कहते हैं कि पढ़ाई को लेकर उन्हें जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो किसी और को न करना पड़े। उन्हें आज
ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल रहा है। उनके प्रयासों से प्रेरित होकर कई दूसरे गांवों के लोग भी लाइब्रेरी बनाने में जुटे हैं। साथियों, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। मैं भी मन की बात के श्रोताओं से कहूंगा कि आप इस वर्ष की अपनी उन 5 किताबों के बारे में बताएं जो आपकी पसंदीदा रही हैं। इस तरह से आप 2022 में दूसरे पाठकों को अच्छी किताबें चुनने में भी मदद कर सकेंगे। ऐसे समय में जब हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बुक रीडिंग अधिक से अधिक पॉपुलर बने इसके लिए भी हमें मिलकर प्रयास करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में मेरा ध्यान एक दिलचस्प प्रयास की ओर गया है। ये कोशिश हमारे प्राचीन ग्रंथों और सांस्कृतिक मूल्यों को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने की है। पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम का एक सेंटर है। इस संस्थान ने दूसरे देशों के लोगों को महाभारत के महत्व से परिचित कराने के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कोर्स भले अभी शुरू किया गया है लेकिन इसमें जो कंटेंट पढ़ाया जाता है उसे तैयार करने की शुरुआत 100 साल से भी पहले हुई थी। जब इंस्टीट्यूट ने इससे जुड़ा कोर्स शुरू किया तो उसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। मैं इस शानदार पहल की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी परंपरा के विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार मॉडर्न तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। 7 समंदर पार बैठे लोगों तक इसका लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए भी इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथियों, आज दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के बारे में जानने को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। अलग अलग देशों के लोग ना सिर्फ हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं बल्कि उसे बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं सर्बियन स्कॉलर डॉक्टर मोमिर निकिच। इन्होंने एक बायलिंगुअल संस्कृत सर्बियन डिक्शनरी तैयार की है। इस डिक्शनरी में शामिल किए गए संस्कृत के 70,000 से अधिक शब्दों का सर्बियन भाषा में अनुवाद किया गया है। आपको ये जानकर और भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर निकिच ने 70 वर्ष की उम्र में संस्कृत भाषा सीखी है। वे बताते हैं कि इसकी प्रेरणा उन्हें महात्मा गांधी के लेखों को पढ़कर मिली। इसी प्रकार का उदाहरण मंगोलिया के 93 साल के प्रोफेसर जे गेंदे धर्म का भी है। पिछले 4 दशकों में उन्होंने भारत के करीब 40 प्राचीन ग्रंथों, महाकाव्यों और रचनाओं का मंगोलियन भाषा में अनुवाद किया है। अपने देश में भी इस तरह के जज्बे के साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं। मुझे गोवा के सागर मुले जी के प्रयासों के बारे में भी जानने को मिला है, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी कावी चित्रकला को लुप्त होने से बचाने में जुटे हैं। कावी चित्रकला भारत के प्राचीन इतिहास को अपने आप में समेटे हैं। दरअसल काव का अर्थ होता है लाल मिट्टी। प्राचीन काल में इस कला में लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान वहां से पलायन करने वाले लोगों ने दूसरे राज्यों के लोगों का भी इस अद्भुत चित्रकला से परिचय कराया। मंत्रालय ने तो एक स्वच्छ एटीएम भी लगाया है। इसका उद्देश्य है कि लोग कचरा दें और बदले में कैश लेकर जाएं।
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के विभागों ने पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियों और जैविक कचरे से जैविक कंपोस्ट खाद बनाना शुरू किया है। ये विभाग वेस्ट पेपर से स्टेशनरी भी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे सरकारी विभाग भी स्वच्छता जैसे विषय पर इतने इनोवेटिव हो सकते हैं, कुछ साल पहले तक किसी को इसका भरोसा भी नहीं होता था, लेकिन आज ये व्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है। यही तो देश की नई सोच है, जिसका नेतृत्व सारे देशवासी मिलकर कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने ढेर सारे विषयों पर बात की। हर बार की तरह एक महीने बाद हम फिर मिलेंगे, लेकिन 2022 में हर नई शुरुआत अपने सामर्थ्य को पहचानने का भी एक अवसर लाती है। जिन लक्ष्यों की पहले हम कल्पना भी नहीं करते थे, आज देश उनके लिए प्रयास कर रहा है। हमारे यहां कहा गया है, क्षणशः कणश्च चैव विद्याम अर्थंच साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। यानी जब हमें विद्या अर्जित करनी हो, कुछ नया सीखना हो, करना हो, तो हमें हर एक क्षण का इस्तेमाल करना चाहिए।